वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मनोज कुमार शर्मा, लेक्चर कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मुबारकपुर। प्लस वन कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रोविजंस, द फीचर्स ऑफ प्रोविजंस, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजंस एंड द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। इस वीडियो के अंत में आप ये जान पाएंगे कि आयोजन से क्या अभिप्राय है, आयोजन की क्या विशेषताएं हैं, आयोजन बनाने का क्या महत्व है और संचय एवं आयोजन में क्या अंतर है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व्स, संचय क्या होते हैं। तो संचय जो है वो किसी अज्ञात हानि को मीट आउट करने के लिए लाभ से अलग रखी एक राशि से होता है। इसी तरह आयोजन किसे कहते हैं, नाउ लेट वी डिस्कस। प्रोविजंस आयोजन से अभिप्राय उस राशि से है जो कि किसी संपत्ति पर ह्रास लगाने या उसके नवीनीकरण के लिए लाभ हानि खाते में से आयोजित की जाती है। आयोजन से अभिप्राय उस राशि से होता है जो संपत्तियों पर ह्रास, नवीनीकरण अथवा इनके मूल्यों में कमी के लिए लाभ में से अलग रखी जाती है और ये वह राशि होती है जो किसी ऐसे ज्ञात दायित्व को पूरा करने के लिए रखी जाती है जिसकी राशि जो है वो पर्याप्त शुद्धता के साथ अनुमानित न की जा सके। अर्थात संचय जो है लाभ में से रखी गई किसी ज्ञात हानि को मीट आउट करने के लिए राशि होती है, लेकिन इस जो नॉन लाइबिलिटी होती है ये इसका जो है एस्टिमेटेड वैल्यू जो होती है कि नॉन जो हमारे पास ज्ञात हानि है वो ज्ञात हानि कितनी होगी ये राशि का अनुमान जो है वो नहीं लगाया जाता है। हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल्स हैं प्रोविजंस के, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पहले ही ये एस्टीमेट बना लिया जाता है कि टैक्स का जो है वो कितना अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा, ठीक है, पहले से ही, क्योंकि एक्चुअल में कितना टैक्स होगा इसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता, तो ये एक एस्टिमेटेड होता है। देन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उधार सेल के साथ जब उधार माल बेचा जाता है तो उसमें भी जो है वो डेटर से कितनी राशि जो है वो नहीं मिलेगी या उन्हें कितनी राशि जो है वो डिस्काउंट के रूप में दी जाएगी या संपत्तियों पर कितना ह्रास जो है वो वर्ष के अंत में एक्चुअल में होगा, इन सभी के लिए पहले से ही जो है अनुमानित लाभ में से कुछ हिस्सा जो है कुछ परसेंटेज जो है वो रख लिया जाता है, तो इसे हम प्रोविजंस कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ द प्रोविजंस। नंबर वन इज प्रोविजन जो है वो संभावित हानियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, नॉन लाइबिलिटीज के लिए, ठीक है, और रिजर्व्स जो होते थे वो अननोन लाइबिलिटीज के लिए रखे जाते हैं, लेकिन प्रोविजन जो है वो नॉन लाइबिलिटीज के लिए जो है वो रखे जाते हैं। प्रोविजन जो है वो लाभ हानि खाते पर चार्ज माने जाते हैं, भार माने जाते हैं, मतलब ये रखना जो है वो जरूरी होता है। थर्डली इनका निर्माण जो है हमेशा निश्चित उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। देन आयोजन की व्यवस्था किसी निश्चित हानि, व्यय अथवा दायित्व के लिए अनुमानित आधार पर ही किया जाता है,
इसकी जो राशि है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोविजंस। नंबर वन इज प्रोविजंस जो है आयोजन जो है वो संपत्तियों पर ह्रास, उनकी मुरम्मत एवं उनकी नवीनीकरण के लिए रखे जाते हैं। नंबर टू आयोजन जो है वो करों के लिए इनका प्रावधान किया जाता है। नंबर थ्री आयोजन जो है अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए बनाए जाते हैं। देन नंबर फोर प्रोविजन जो है वो देनदारों और लेनदारों पर छूट के लिए इनकी जो है वो व्यवस्था की जाती है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस। नंबर वन इज शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करना, टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस। किसी भी वर्ष का शुद्ध लाभ निकालने के लिए यह आवश्यक होता है कि उस वर्ष से संबंधित सभी व्ययों एवं संभावित दायित्वों का लेखा लाभ हानि खाते में कर दिया जाए और जिन व्ययों एवं दायित्वों का उचित शुद्धता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता उनके लिए आयोजन बनाकर जो है वो उन्हें लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है, जिससे जो है वो सही शुद्ध लाभ या हानि की गणना की जा सकती है। अतः यदि आयोजनों के बिना ही लाभ हानि खाता बनाया जाए तो वह शुद्ध लाभ या हानि की गणना नहीं करेगा। नंबर टू इज नॉलेज ऑफ एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन, सही आर्थिक स्थिति की जानकारी। कोई भी व्यवसाय वर्ष के अंत में स्थिति विवरण चिट्ठा बनाकर अपने व्यवसाय के संपत्ति व दायित्वों की सही स्थिति जानना चाहता है, तो स्थिति विवरण जो है वो किसी भी व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इसलिए किसी भी वर्ष का जो है वो स्थिति विवरण बनाते समय जो है वो संपत्तियों एवं दायित्वों में से आयोजनों को घटाकर ही चिट्ठे में लिखा जाता है। तो सही आर्थिक स्थिति मालूम करने के लिए आयोजनों को जो है वो चिट्ठे में संपत्ति व दायित्वों की राशि में से घटाया जाता है। द नेक्स्ट इज भविष्य की संभावित हानियों तथा व्ययों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। यदि किसी संपत्ति का कई वर्षों तक प्रयोग होना होता है तो यह उचित होगा कि उस पर होने वाले व्ययों का उन वर्षों में समान रूप से विभाजन कर दिया जाए जितने वर्षों तक उस संपत्ति को व्यवसाय में प्रयोग करना है। जैसे मान लो एक मशीन 10 वर्षों के लिए प्रयोग की जानी है और इन 10 वर्षों में इस पर 10,000 रुपया कुल जो है वो रिपेयर एक्सपेंसेस जो है वो खर्च होने हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है वो 1,000 रुपये का प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट बना लिया जाएगा और प्रति वर्ष जो है वो होने वाले वास्तविक मरम्मत व्ययों को इस आयोजन में से जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो फ्यूचर के लॉसेस और एक्सपेंसेस को जो है उनकी उचित जो है वो व्यवस्था की जा सकती है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन, संचय एवं आयोजन में क्या अंतर है। द फर्स्ट वन इज वी हैव क्रिएशन, निर्माण। रिजर्व जो है संचय जो है वो अज्ञात हानि की पूर्ति के लिए लाभों में से बनाया जाता है, जबकि
प्रोविजन जो है, आयोजन जो है वो ज्ञात हानि की पूर्ति के लिए लाभों में से बनाया जाता है। सेकेंड इज कंपल्शन। तो रिजर्व जो है वो केवल लाभ की दशा में ही बनाए जाते हैं, लेकिन जो आयोजन है, प्रोविजंस हैं, वो क्योंकि एक प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहले भी आपको बताया कि वो लाभ पर चार्ज होते हैं, इसलिए आयोजन जो है वो आवश्यक रूप से बनाए जाते हैं, चाहे किसी भी व्यवसाय में लाभ हो या हानि। देन द थर्ड इज संचय का उद्देश्य जो है वो किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होता है, लेकिन जो आयोजन होते हैं इनका उद्देश्य जो है वो अज्ञात दायित्व, जो अननोन लाइबिलिटीज होती हैं, उनके लिए जो है वो व्यवस्था करना होता है। देन फोर्थ इज लीगलिटी। तो संचय बनाना जो है, रिजर्व्स रखना जो है, वो कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, लेकिन आयोजन बनाना जो है वो कानूनी रूप से आवश्यक है, इट इज कंपल्सरी। द लास्ट वन इज विनियोग, इन्वेस्टमेंट। तो संचय का विनियोग जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, वो व्यवसाय से बाहर की जा सकती है। जो रिजर्व जो होते हैं उन्हें व्यवसाय से बाहर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो आयोजन होते हैं उनका विनियोग जो है वो व्यवसाय से बाहर नहीं किया जा सकता है। सो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जो है वो मीनिंग ऑफ प्रोविजंस, द ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड द फीचर्स ऑफ द प्रोविजंस एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व्स एंड प्रोविजंस डिस्कस किया। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।